हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है। आपको पता है आलिया भट्ट ने अपने पेरेंट्स के घर से मूव करने के बारे में कहा था कि इसने मुझे और जिम्मेदार बना दिया। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलिया भट्ट की खबर। आलिया भट्ट इस टाइम बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक है। टैलेंटेड एक्ट्रेस ने 19 साल की उम्र में साल 2012 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अपनी शुरुआत की। हालांकि इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित 2014 की फिल्म हाईवे में यह उनका शानदार प्रदर्शन था जो सबसे बड़ा मोड़ बनकर उभरा। आलिया भट्ट के अभिनय करियर में इसने बहुत अच्छा काम किया। अभिनेत्री ने बाद में खुद को हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाली टैलेंटेड में से एक के रूप में प्रदर्शित किया, जिसमें कुछ तारकीय प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता रही। कम उम्र में बेहद सफल एक्टिंग करियर के साथ साथ आलिया भट्ट ने फैंस को अपनी व्यक्तिगत पसंद से भी प्रेरित किया। एक्ट्रेस जो हमेशा एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी, उन्होंने साल 2017 में जुहू मुंबई में अपने सपनों का घर खरीदा। आलिया भट्ट जल्द ही अपने आलीशान अपार्टमेंट में रहने के लिए अपने माता पिता के घर से चली गई। हालांकि एक्ट्रेस को सेट होने में थोड़ा टाइम लगा। बाद में डार्लिंग एक्ट्रेस ने अपने माता पिता के घर से बाहर जाने के बारे में बात की और खुलासा किया कि इसने उनके पर्सनल ग्रोथ को कैसे प्रभावित किया। एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने खुलासा किया कि अपने माता पिता से दूर रहने ने उन्हें और अधिक जिम्मेदार और स्वतंत्र बना दिया, लेकिन एक्ट्रेस अपने जुहू घर में अकेली नहीं रह रही थी। आलिया की बड़ी बहन शाहीन भट्ट और उनकी कैट एडवर्ड उनके साथ थे जब वह अपने पेरेंट्स महेश भट्ट और सोनी राजदान के घर से बाहर थे। हालांकि शाहीन काफी समय से अपने पेरेंट्स के घर और आलिया के जुहू वाले घर के बीच रह रही थी। आलिया के अनुसार उनके माता पिता और बहन दोनों के साथ उनके संबंध उनके बाहर जाने के बाद काफी अच्छे हुए। इंटरव्यू में अभिनेत्री ने कहा कि इस बदलाव ने उनके रिश्तों में आराम की भावना पैदा की। ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि जुहू स्थित अपने घर में रहने के बाद उनके माता पिता और बहन के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। भले ही वह शुरू में अपनी कैट एडवर्ड के साथ अकेले जाने की योजना बना रही थी, आलिया भट्ट ने बाद में अपना विचार बदल दिया और शाहीन को अपने साथ रहने के लिए मना लिया। बाद में अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में आलिया भट्ट ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने अपने सपनों का घर बनाया। दिलचस्प बात यह है कि एक्ट्रेस को अपने जुहू स्थित घर के इंटीरियर को स्थापित करने में 2 साल से ज्यादा का टाइम लगा। आलिया के अनुसार घर को मुख्य रूप से आलिया और शाहीन भट्ट ने स्थापित किया क्योंकि वे पूरी तरह से उसके निर्माण में शामिल होना चाहते थे। तो कुछ इस तरीके से आलिया ने शेयर की थी अपने दिल की बातें। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।